हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। तो आज मैं कुछ शॉर्ट वीडियो डालने वाली हूँ अपनी सिस्टर की बेटी की, तो आप लोग देखिएगा और उस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो मुझे लगता है कि शायद ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी वो वीडियो। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, तो आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। प्रणाम, मेरा नाम अवंतिका अग्निहोत्री है। मैं 8 साल की हूँ और मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। प्रस्तुत चौपाइयाँ रामचरितमानस के सुंदर कांड से ली गई हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभ सी नगर की जय, सबका जय। हृदय राखी कौशल पुर राज, करल सुधारी पुकरई मिताई। कोपद सिंधु अनल सित लाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करि चित वाजाई, अति लघु रूप धरे उ हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, बोला हुआ था ना, बंदर रखेंगे ना हमारी फुलवारी जब ही रहेगी। तो देखिए, पुदीना बस इतना बचा हुआ है, सारा पुदीना यहाँ पे लगाया हुआ था, सब तोड़ दिया। आज सुबह सुबह इतने बंदर आए तो एक ये गिलोय की टहनी भी तोड़ दी, तो मैंने फिर दोबारा से यहाँ लगा दी, सब तोड़ दिया हुआ है। और बट गिलहरी भी आती हैं, गिलहरी भी खा जाती हैं भाई, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। और देखिए ये छोटे छोटे अभी तुलसी के पौधे भी निकल रहे हुए हैं, इसमें कुछ पौधे देखिए रोटी खा के और ये डाल गए हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना लहसुन लगाया हुआ था, ये रहा लहसुन। तो ये देखिए, ये मैंने लहसुन लगाया हुआ था और ये लहसुन के बीज है ना निकल आए हुए हैं, इसमें से 2-3 तो तोड़ गए, ये देखिए डाल गए तोड़ तोड़ के। ये देखिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ये देखिए सब हमारे नुकसान कर गए। ये सारी बेल थी ना यहाँ तक आ गई थी, ये देखिए यहाँ तक रह गई है, बस तोड़ गया किसे इसको। ये पूरा मैंने डंडी में लगा रखा था तो ये भी निकाल गए। बड़ी मुसीबत है यार यहाँ पे बंदरों से, मतलब कुछ भी लगाओ, कुछ भी सोचो कि हरा भरा कर लो घर में, बट नहीं हो सकता क्योंकि बंदर जीने नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मैंने पुदीना इतनी मेहनत से लगाया हुआ था, ये सारा यहाँ तक पुदीना था, सारी डंडियाँ सब निकाल दी, सब तोड़ दी, बस इतना बचा हुआ है। अब देखो ये भी होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, भगवान मालिक है। सोच रही थी कि ताज़ा पुदीना तोड़ के खाया करूँगी, लेकिन पहले वही खा लें, इसके बाद मेरे को खाने देंगे ना। और ये देखिए तुलसी है ना, इनके भी पत्ते निकाल लो, जो पीले पीले हो रहे पत्ते उन्हें मैं निकालती हूँ, एक जगह रख दूँगी, चाय में डाल दूँगी इनको। और ये देखिए ऊपर की ना मंजरी भी तोड़ी दे रही हूँ आज, क्योंकि फिर ये बढ़ेंगे नहीं, तो इनको ना इसी में डाल दूँगी, निकल आएंगे। ये भी तोड़े दे रही हूँ, ये भी यहीं पे डाल दे रही हूँ, बस एक रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा सूख जाएगी तो यहाँ डाल दूँगी। ये रख दिए निकाल के मैंने, और तो कहीं नहीं है। आज फ्रेंड्स धूप भी बहुत तेज़ है, देखिएगा बहुत तेज़ धूप है। सुबह तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आज का मौसम तो एकदम चेंज हो गया एकदम। सुबह बारिश भी हुई थी, आंधी भी बहुत तेज़ आई हुई थी, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अब दोपहर में एकदम चेंज हो गया मौसम, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ धूप हो रही है, देखा भी नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ धूप है। तो मैं चश्मा लगाई हूँ इसलिए मैं निकल के आई हूँ बाहर धूप में।
फ्रेंड्स, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए, वो शॉर्ट वीडियो ही है हमारी सिस्टर की बेटी की, तो आप लोगों को चल देखना और कमेंट्स करके बताना कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर और ऐसे ही स्माइल रखिए जैसे मैं।